Hi friends, welcome to the art of wealth building. मैं हूँ भावन, certified financial planner. Personal loan और wealth creation के बारे में सीखना है तो ये channel है आपका one point destination. आज इस video में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे बस mutual fund में 500 rupees की SIP करके भी आप 3 crore से भी ज्यादा की wealth create कर सकते हो. लेकिन उसके पहले क्या किसी ने कभी बताया है कि जितना जल्दी शुरुआत करोगे invest करना उतना कम अमाउंट इन्वेस्ट करके भी ज्यादा वेल्थ क्रिएट की जा सकती है. लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल. राम, श्याम और गोपाल तीनों नेबर्स थे. गोपाल 44 इयर्स का हुआ तब उसके किसी दोस्त ने उसे समझाया कि कैसे कोई अंकल या आंटी जो अपने आप को हमारा वेल विशर बताते हैं और ऐसा वैसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच कर जाते हैं उनकी बात न मानकर एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेनी चाहिए. जब गोपाल सीएफपी के पास गया तब सीएफपी ने गोपाल को बताया कि कैसे यंग एज में सही प्लानिंग करने से कम पैसे भी इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएट की जा सकती है. एस पैसों को ज्यादा समय मिलता है ग्रो होने के लिए. लेट्स सी दिस टेबल. राम जिसकी उम्र है 24 साल और उसे अगर 60 इयर्स में 1 crore रुपए चाहिए तो उसे इन्वेस्ट करने होंगे बस 2,647 रुपीज पर मंथ. लेकिन श्याम जो बस राम से 10 साल बड़ा है यानी 34 इयर्स का है तो उसे वही 1 crore की वेल्थ क्रिएट करने के लिए इन्वेस्ट करने होंगे मंथली 12,676 रुपीस. और गोपाल जो 44 इयर्स का है उसे इन्वेस्ट करने होंगे 86,450 रुपीस. तो गोपाल ने तुरंत अपने पड़ोसी राम जो 24 इयर्स का था उसे कहा कि तुम्हें भी सीएफपी को मिलना चाहिए. लेकिन राम की इनकम बहुत कम थी और उसने ये सोचा कि इन्वेस्ट तो सिर्फ अमीर लोग ही करते हैं. जब उसके सीएफपी ने शेयर किया उसके साथ अमीर बनने का सीक्रेट तब राम सरप्राइज हो गया. राम को सिर्फ 500 रुपीस मंथली इन्वेस्टमेंट की एसआईपी शुरू करनी होगी और बस ये अमाउंट बढ़ानी होगी कुछ रुपयों से हर साल. जैसे दूसरे साल में इन्वेस्ट करने होंगे 750 रुपीस तो एंड ऑफ द ईयर उसके अकाउंट में होंगे 17,109 रुपीस. थर्ड ईयर में इन्वेस्ट करने होंगे 825 रुपीस और उसके अकाउंट में होंगे 30,500 रुपीस. इस तरह जब राम 59 इयर्स का होगा तब उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट होगी सिर्फ 19,160 रुपीस और उसके बैंक अकाउंट में होंगे पूरे 2 crore रुपए. और जब वो 60 इयर्स का होगा तब वो पैसे बढ़कर हो चुके होंगे 3 crore के ऊपर. सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए कोई एक्सक्यूज मत दीजिए. कम से कम अमाउंट में भी शुरू किया जा सकता है आपका एसआईपी. बस राइट फाइनेंशियल प्लानर की एडवाइस लीजिए उसे फी देकर. एस फ्री एडवाइस देने वाला अपनी कमीशन के लिए बेचेगा ना ही कि आपकी नीड्स के लिए. और अगर ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताइए इस चैनल के बारे में और शेयर कीजिए ये वीडियो टू स्प्रेड अवेयरनेस. फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग.